मैं ना झूठे वादे कर सकती हूँ, ना झूठी बातें बता सकती हूँ, और आपके सामने जब मैं खड़ी होती हूँ तो ईमानदारी से मैं सच बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो एक ईमानदार नेता थी, अपने देश के लिए समर्पित थी और आपके भविष्य के लिए समर्पित थी। तो जब आप ऐसा कहते हैं तो मेरे मन में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि आपके सामने खड़े होकर मैं ना झूठे वादे कर सकती हूँ, ना झूठी बातें बता सकती हूँ, और आपके सामने जब मैं खड़ी होती हूँ तो ईमानदारी से मैं सच बोलना चाहती हूँ, और मैं यही कहना चाहती हूँ जिसमें आपकी भलाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट, आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। प्रियंका गांधी का एक बड़ा बयान इन दिनों खूब तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि उस बयान के जरिए वो इंदिरा गांधी का नाम लेती हुई नजर आई। जी हां, एक तरफ जो है उस बयान को लगातार जनता जो है वो बार बार सुन रही है, क्योंकि उसमें वो इंदिरा गांधी को कुछ अलग ही तरीके से बोलती हुई नजर आई, उनकी जबान लड़खड़ा रही थी। बावजूद उन्होंने इंदिरा गांधी का नाम लिया और साथ में ही उन्होंने बीजेपी को घेरा और अपने ऊपर उठ रहे सवाल और इंदिरा गांधी के साथ जोड़े जा रहे तस्वीर को देखने के बाद जो है उन्होंने अपनी तरफ से ये चुप्पी तोड़ी है, बातें कही हैं। इस बयान को सुनने के बाद तमाम जनता जो है कहीं उनके लड़खड़ानेपन को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं उनके जो है बयान के जरिए दिखाए गए उस रौब को बता रहे हैं, जिससे कि बीजेपी खेमे को जो है यहाँ पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश में प्रियंका वाड्रा नजर आ रही थी। क्या कुछ कह रही थी प्रियंका वाड्रा, जरा सुनिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। यहाँ पे जब मुझे कहते हैं कि मैं इंदिरा अम्मा जैसी एक नई इंदिरा अम्मा हूँ, ये हल्की बात नहीं है बहनों और भाइयों, ये हल्की बात नहीं है। जब आप ऐसे कहते हैं तो मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, क्योंकि आप उस महिला को याद कर रहे हैं जो 40 साल से पहले ही गुजर चुकी हैं, शहीद हो गई देश के लिए 1984 में, आज हम 2023 में हैं, लेकिन आप उनको श्रद्धा के साथ, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम के साथ याद कर रहे हैं, और आप अभी भी आशा रख रहे हैं कि उनकी तरह कोई आपकी मदद करे, क्योंकि वो एक ईमानदार नेता थी, अपनी देश के लिए समर्पित थी और आपके भविष्य के लिए समर्पित थी। तो जब आप ऐसा कहते हैं तो मेरे मन में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि आपके सामने खड़े होकर मैं ना झूठे वादे कर सकती हूँ, ना झूठी बातें बता सकती हूँ, और आपके सामने जब मैं खड़ी होती हूँ तो ईमानदारी से मैं सच बोलना चाहती हूँ, और मैं यही कहना चाहती हूँ जिसमें आपकी भलाई है। इसीलिए आपने सोनिया अम्मा का नाम भी लिया, और आपको मालूम है कि आपके प्रदेश को बनाने में उनकी भूमिका बहुत रही। मैं उनकी बेटी हूँ, यहाँ अगर आपके सामने खड़ी हूँ तो मैं समझती हूँ कि ये निर्णय उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से लिया, और वे भी आपके लिए आजीवन समर्पित रही। प्रियंका वाड्रा का आपने बयान सुना, बयान सुनने के बाद हम जानना चाहते हैं कि अब आप लोग के क्या तर्क है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।